नमस्कार, आप देख रहे हैं आइजन 7 न्यूज़। मैं हूं अजीत सिंह। आपको बताते चले लगातार हम पेट्रोल पंप पे कवर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो डीलर हैं वो अपने कस्टमर्स को सुविधा प्रदान कर रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की हैं उनको किस तरह से कस्टमर्स को दिया जा रहा है उसको लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और हम पहुँचे हैं अरविंद गुप्ता जो डीलर हैं उनके 4 पेट्रोल पम्प हैं जिनका नाम है अशोक ऑटो सेंटर दोराला में है, मधुलिका फिलिंग सेंटर दोराला में है, पूजा फिलिंग सेंटर दोराला में है और हम पहुँचे हैं सरूरपुर फिलिंग स्टेशन पर। सरूरपुर में पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोल पंप का पेट्रोल पंप है ये। हमारे साथ हैं सुभाष शर्मा जी यहाँ के मैनेजर हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनके द्वारा यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं उनको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। हमारे हमारे यहाँ हवा का इंतजाम है पूरा और हमने लड़का भी रखा हुआ है, फ्री कॉस्ट लड़का हवा के लिए अलग से रखा हुआ, निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क। हाँ, वाटर नहीं होता, ठंडा पानी नहीं होता या नॉर्मल पानी होता है यहाँ? नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ आर ओ वाटर है, ठंडा पानी है और ग्राहक तो हमारे यहीं यहीं हैं लेकिन अड़ोसी पड़ोसी भी हमारे यहाँ आते हैं। आप बिल्कुल आते हैं, किसी को कोई मना नहीं है। शौचालय हमारे पास डबल है, लेडीज अलग जेंट्स अलग, और हाँ जी विद साइन बोर्ड, और किसी को मैंने नहीं है। यहाँ ग्राहक आओ चाहे हमारे सड़क चलते हुए आओ, और उनके लिए भी सफाई कर्मचारी हमने रखा हुआ है जो हमारे यहाँ सफाई करता है, अलग से रखा हुआ सफाई कर्मचारी अलग से। हाँ जी, फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल है, फायर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल, सब चीज़ अवेलेबल है। हम बिना हेलमेट के देते नहीं, हम ग्राहक से सीधी कह देते भैया हेलमेट लगाओ और जब पेट्रोल मिलेगा। हम बोतलों में पेट्रोल नहीं देते और बिना हेलमेट का हम पेट्रोल नहीं दे रहे। तो यहाँ पर आपने देखा सुभाष शर्मा जी ने जाके मैनेजर है, उन्होंने साफ बयान आ चुका है, उनका कहना है कि यहाँ पर जो सभी मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो लगभग सारी पूरी तरह से फॉलो की जा रही है। इसके अलावा जो भी हाल ही में डीएम सर ने आदेश जारी किया है कि बिना हेलमेट के किसी को पेट्रोल नहीं मिलेगा वो यहाँ पर पूरी तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। मैं कैमरामैन संजय, मैं सुभाष चंद्र शर्मा, सरूपुर फिलिंग स्टेशन सरूपुर खुर्द में मैं एज ए मैनेजर, और मेरठ और आसपास के सभी बासिंदों से मेरी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ।